लगातार हिंसक तस्वीरें सामने आ रही, हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल, कहां कहां पर आपको बता रहे हैं। देखिए मैप के जरिए आप समझिए, साउथ पोर्ट की बात करें, लिवरपूल की बात करें, यहां पर काफी ज्यादा हिंसक तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। और देखिए हल की बात करें, दो साथ ही जगह है, ब्रिस्टल की बात करें, वहां पर भी लगातार हम बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। लीड्स में बहुत ज्यादा बवाल हुआ, आगजनी हुई। इसके अलावा ब्लैकपूल की बात करें, वहां पर भी, और स्टोक ऑन ट्रेंट है, यहां पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये वो जगहें हैं जहां पर पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है भीड़ को। प्रदर्शन बहुत ज्यादा हिंसक हो चुका है। आपको कुछ देर पहले श्वेता ने बताया भी कि कैसे वहां पर जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं और अप्रवासी है, दोनों के बीच काफी ज्यादा प्रदर्शन जो है वो हिंसक होते हुए नजर आया। और ये आप देख रहे हैं हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल इन सभी जगहों पर होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि आखिरकार एग्जैक्टली हो क्या रहा है ब्रिटेन में, प्रवासियों की आबादी क्या क्या है। मुस्लिम की बात करें, देखिए मुस्लिम है 39 लाख, आबादी का हिस्सा 6.5% है। हिंदू वहां पर 39 लाख की आबादी है, 1.7%। सिखों की बात करें तो 5.24 लाख और आबादी है इनकी 1.9%, यानी कि 1.9%। और बौद्ध की बात करें 2.73 लाख। आबादी के बारे में आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त वहां पर काफी ज्यादा हिंसक तस्वीरें आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की संभावनाओं की, क्योंकि जब से हमास चीफ की मौत हुई है तब से महायुद्ध की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ चुकी है और इजराइल और ईरान जो है अब जंग के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर महायुद्ध शुरू होता है तो क्या ये सिर्फ सिमटकर दो देशों के बीच में रह जाएगा या फिर इसका असर जो है बाकी देशों में भी देखने को मिल सकता है। सवाल ये भी, अगर महायुद्ध शुरू होता है तो क्या इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। क्या कहती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। क्या इजराइल और ईरान में जंग होने वाली है? क्या ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है? क्या हमास चीफ हानिया के नाम पर वर्ल्ड वॉर होगा? इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को तबाही का तांडव कराने वाला इस्माइल हानिया कब्र में दफन हो चुका है, लेकिन उसके नाम पर नफरत की आग अब कई इस्लामिक देशों में भड़क रही है। इनमें सबसे आगे है ईरान। तो क्या ये आग दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में भस्म करना चाहती है? आशंकाएं तो कुछ ऐसी ही हैं, क्योंकि ईरान ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है। खबरें हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इसराइल पर ईरान को हमले की मंजूरी दे दी है और अब ईरानी सेना जल्द ही इसराइल पर धावा बोल सकती है। 5 अगस्त वो तारीख है जब दुनिया किसी बड़े हमले की गवाह बन सकती है। क्या यही दिन तबाही की तारीख है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार यानी कि 5 अगस्त को ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच चुके हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी है। तो क्या ईरान, हिजबुल्ला और हुती, ये तीनों मिलकर इजराइल पर हमले के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा होता है तो अमेरिका से इनका सामना होना तय है। ऐसे में क्या दुनिया बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ये जो माहौल है मिडिल ईस्ट में, ईरान में और इसराइल को लेकर के, डेफिनेटली एक सीरियस जंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सारी इंटेलिजेंस ये इंडिकेट कर रही है, अमेरिकन इंटेलिजेंस और खबरें जो आ रही हैं उसके चलते है कि शायद तैयारियां हो रही हैं ईरान द्वारा या फिर उसके हिजबुल्ला, हमास तो है ही, हूती द्वारा, इराक में जो मिलिशिया है, सीरिया में जो है उसके द्वारा। तो कह नहीं सकते कैसे होगा, पर ईरान ने तो कहा है, प्रॉमिस किया है कि वो अब रिटेलिएट करेगा इसराइल के ऊपर। तो ऐसे में शायद आशंका काफी है कि ये अटैक होगा और ये किस करवट जाएगा वो नहीं कह सकते। इसराइल के साथ ज्यादातर देश खड़े हैं, तो ईरान का साथ चीन और रूस दे सकते हैं। ईरान इस तैयारी में जुटा है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करे जो इन देशों के डिफेंस सिस्टम को भेद सके।
रूस के किंजल मिसाइल, जिसे रोकना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए भी मुश्किल है। अगर ये ईरान को मिल जाती है तो ईरान के लिए ये गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। लेकिन इसराइल भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तकनीक से लेकर हथियारों के मामले में या फिर मिसाइलों से लेकर ड्रोन और आयरन डोम तक इसराइल के पास वो ताकत है जिससे पार पाना ईरान के लिए आसान नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, जब इसराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्ला की साजिश को नाकाम कर दिया था। यानी इसराइल के सुरक्षा कवच के साथ ही अमेरिका की घातक जंगी बेड़े और फाइटर जेट भी अब इसराइल के साथ खड़े हैं। मतलब जंग होगी तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एल्डमैन नियुक्ति मामले में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली सरकार को झटका। एमसीडीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एल्डमैन की नियुक्ति एलजी कर सकते हैं, 10 लोगों को नामित कर सकते हैं एलजी, और दिल्ली कैबिनेट की सलाह की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, ये आपको बड़ी खबर के तौर पर बता दें। आपका आयात, ब्रिटेन में दंगा फसाद, ब्रिटेन में एम आबादी त्रासदी की कहानी। ब्रिटेन जल रहा है। ब्रिटेन में 3 बच्चियों के मौत के बाद शहर शहर बवाल मचा हुआ है। ब्रिटेन की सड़कों पर अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह देखने को मिल रहा है। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, नॉटिंगम, मैनचेस्टर। ब्रिटेन के नागरिकों का कहना है कि इस सारे फसाद की जड़ यहां बसे शरणार्थी, खासकर मुस्लिम आबादी है। वहीं शरणार्थियों का कहना है कि उनके स्किन का कलर देखकर ब्रिटेन में उन पर हिंसा हो रही है। कुल मिलाकर गुस्सा दोनों तरफ है और इसी गुस्से की लपटों में जल रहा है ब्रिटेन। दरअसल ये सारा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब ब्रिटेन के मर्सी साइड में मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट के थीम वाली डांस पार्टी के दौरान वहाँ 3 छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ा दी गई कि बच्चियों पर हमला करने वाला एक शख्स इस्लाम से जुड़ा है। उसी दिन से ब्रिटेन में हिंसा की तस्वीरें आना शुरू हो गई, जो अब तक काबू से बाहर है। सोशल मीडिया पर उड़ी इस अफवाह के बाद ब्रिटेन के नागरिक भड़क गए और उन्होंने अप्रवासियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कहीं होटलों में आग लगा दी गई तो कहीं भीड़ का रास्ता रोकने आए पुलिस वाले निशाने पर आ गए। सभी की एक ही मांग है, ब्रिटेन से घुसपैठियों को भगाओ। ब्रिटेन में फैली इस हिंसा की आग को काबू में करने में पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन फिलहाल ब्रिटेन को इससे छुटकारा मिलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ जहां स्थानीय लोग अब अप्रवासियों के चलते खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वहीं अप्रवासी भी अब सड़कों पर हिंसा करते दिखाई दे रहे हैं। वो स्थानीय लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शहरों को आग के हवाले कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी से लेकर यहां के पीएम तक दंगाइयों को वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। इस दौरान ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा, ब्रिटेन में जो लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं, स्थानीय कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं, लोगों को डराकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीएम की इस चेतावनी के बाद यहाँ के होम सेक्रेटरी ने भी मीडिया के जरिए उपद्रवियों को साफ लफ्जों में चेताया है। Criminal violence and disorder has no place on Britain's streets. We've been clear to the police that they have our full backing in taking the strongest possible action against perpetrators. ब्रिटेन के गृह मंत्री का ये बयान तब आया है जब वहाँ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की आग कई शहरों तक फैल चुकी है और ब्रिटेन के कई पुलिस अधिकारी हिंसक घटनाओं में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्रिटेन इतना मजबूर क्यों नजर आ रहा है? इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। यहाँ के स्थानीय लोग और पूरा यूरोपीय समुदाय इसके लिए मुस्लिम शरणार्थियों को बड़ी वजह मानता है। खासकर पिछले साल फ्रांस में जिस तरह से दंगा भड़का और मुस्लिम शरणार्थी वहाँ हिंसा करते नजर आए, इसे लेकर पूरे यूरोप में मुस्लिमों के प्रति एक खास धारणा बन गई है, जिसे हवा दी है ब्रिटेन के जनसंख्या के ताजा आंकड़ों ने। आंकड़ों की नज़र से देखें तो 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्रिटेन की कुल आबादी लगभग 6,75,00,000 है, जिसमें लगभग 40,00,000 मुस्लिम आबादी है, जो ब्रिटेन की कुल आबादी का 6% है। इस्लाम यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कई शहरों में मुस्लिम आबादी बेहद ज्यादा है। मुस्लिम आबादी बड़ा वोट बैंक है। ब्रिटेन में 16,00,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। पिछले 10 सालों में तेजी से आबादी बढ़ी है। यही वजह है कि ब्रिटेन के लोग परेशान हैं। उनके मन में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर असुरक्षा का भाव घर कर गया है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब मुस्लिम अप्रवासियों ने शहर की सुरक्षा को ताक पर रख दिया
लेकिन ब्रिटिश सरकार स्थानीय लोगों की मांग अनसुनी कर रही है, जिसे लेकर अब लोगों में गुस्सा चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।